अगर आप भी करते हैं कच्चे प्याज का सेवन तो ये खुलासा खास आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं और कोई दूसरा आपको कभी बताएगा भी नहीं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कच्चे प्याज को खाने से क्या होता है, और यदि आप भी कच्चे प्याज का सेवन करते हैं तो इससे आपके पूरे शरीर को किस तरह के फायदे होते हैं, और साथ में कच्चे प्याज से जुड़े रहस्य के बारे में भयंकर खुलासा भी करेंगे, और साथ ही यह भी बताएंगे कि कच्चा प्याज खाने का बेहतर तरीका क्या होता है। और अगर आप हमारे द्वारा बताए हुए महत्वपूर्ण जानकारी से प्याज का सही इस्तेमाल करने के तरीकों को अपनाते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको शरीर में होने वाले कई समस्याओं से छुटकारा पाने के साथ बचने में भी मदद मिलेगा। और अगर आप इसका फायदा नहीं ले पाते हैं तो आपको बाद में अफसोस हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों, कच्चे प्याज की इस जानकारी को जरूर जानें, क्योंकि कच्चे प्याज के पोषक तत्वों की कमी से इतने भयंकर परिणाम को देखना मिल सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए पूरी जानकारी जरूर लें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। प्याज हर घर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। खाना शाकाहारी हो या मांसाहारी, हर प्रकार के भोजन में प्याज इस्तेमाल किया जाता है। सब्जी में प्याज डालने से सब्जी का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, पर प्याज को खाने से कई बेहतरीन फायदे भी होते हैं। खाने में तड़का लगाते समय प्याज डाला जाए और सलाद में इसकी जगह ना हो तो खाने में बिल्कुल ही स्वाद ही नहीं आता। बेशक इसे काटते समय आंखों में पानी जरूर आता है, लेकिन इसे खाने से जो अनगिनत फायदे होते हैं उसका मुकाबला कोई नहीं। खासकर गर्मियों में कहा जाता है कि प्याज खाने से लू नहीं लगती। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्याज सिर्फ लू भर नहीं बल्कि डायबिटीज व कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी सक्षम है। इस वीडियो में हम प्याज के ऐसे ही तमाम आयुर्वेदिक गुणों के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही इसे खाने के तरीके भी बताएंगे, अंत में प्याज के नुकसान भी बताएंगे। कच्चे प्याज खाने के फायदे। अगर आप हार्ट से जुड़ी गंभीर समस्याओं के खतरे को कम करना चाहते हैं तो कच्चा प्याज जरूर खाएं। अपने सलाद में दूसरी सब्जियों के साथ ही प्याज को भरपूर मात्रा में शामिल करें। इससे आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। कई शोधों में बताया गया है कि हृदय से जुड़ी बीमारियों में प्याज बेहद फायदेमंद होता है। दरअसल प्याज आपके रक्त को पतला करता है और हार्ट अटैक आने का खतरा कम करता है। इसके अलावा प्याज ब्लड शुगर के खतरे को भी कम करता है। प्याज में मौजूद सल्फर यौगिक ब्लड शुगर को कम करते हैं। इसके अलावा पुरानी से पुरानी पाचन प्रक्रिया संबंधित बीमारियों को भी कच्चा प्याज ठीक कर देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जो आवश्यकता होती है वो कच्चे प्याज में बहुत ही अधिक मात्रा में, जो कि फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर विटामिन सी को बढ़ाने का काम करते हैं। और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली आपको बैक्टीरिया, कवक और वायरस संक्रमण के होने वाले कई बीमारियों से भी बचाती है। जब आप प्याज का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को विषाक्त पदार्थों और विभिन्न प्रकार के सभी हानिकारक तत्वों से बचाता है। ये विषाक्त पदार्थ और बाहरी हानिकारक तत्व बीमारी का कारण बन सकते हैं। प्याज एक मजबूत प्रतिरक्षा बनाने में मदद करती है। पाचन तंत्र के लिए प्याज के औषधीय गुण में पाचन तंत्र को बेहतर करना भी है। पके हुए प्याज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे कब्ज व गैस जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर कब्ज की समस्या आपको नहीं होगी तो पाचन तंत्र सही प्रकार से काम करेगा। प्याज में पाए जाने वाला इस फाइबर को ओलिगोफ्रुक्टोज कहा जाता है। ये आंतों में अच्छे बैक्टीरियों को पनपने में मदद करता है ताकि आंत ठीक से काम कर सके। इतना ही नहीं, ओलिगोफ्रुक्टोज दस्त जैसी समस्या में भी काफी लाभदायक साबित हो सकता है। प्याज में पाए जाने वाले पाइथोकेमिकल्स ग्रेटिक्स अल्सर के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। प्याज में प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कब्ज को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह पेट में दर्द व पेट में कीड़े होने वाली जैसी समस्याओं से भी राहत दिला सकता है।
डायबिटीज से भी करता है बचाव। कच्चे प्याज में क्रोमियम पाया जाता है जो शुगर को कंट्रोल करने के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। इससे आपकी मांसपेशियों और शरीर को धीरे धीरे ग्लूकोज मिलता रहता है। प्याज शरीर में ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। यह प्राकृतिक रूप से आपके खून को पतला करता है। इसके साथ ही डाइट में प्याज शामिल करने से शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है। प्याज का प्रयोग मधुमेह को भी करता है नियंत्रित। मधुमेह ऐसी बीमारी है जो किसी भी समय किसी भी इंसान को हो सकती है। यदि आप जंक फूड खाते हैं और गतिहीन जीवन शैली जी रहे हैं तो मधुमेह आपको होने का खतरा अधिक हो सकता है। प्याज में क्रोमियम होता है। क्रोमियम अधिकतर सब्जी में नहीं पाया जाता है जिनका आप दैनिक रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और आपकी मांसपेशियों और शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे ग्लूकोज देता रहता है। मधुमेह में सबसे बड़ी समस्या एक सुरक्षित रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखने में होती है। इसलिए प्याज खाने से आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है जो मधुमेह रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त शर्करा को बनाए रखने के लिए आप कच्चा प्याज का जरूर सेवन करें। हड्डियों के लिए भी होता है लाभदायक। क्या आपको पता है कि प्याज के फायदे हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी जाने जाते हैं? डाइट में प्याज शामिल करने से हड्डियां मजबूत होने में मदद मिल सकती है। उम्र बढ़ते समय हड्डियों का कमजोर होना आम बात है, लेकिन आप बढ़ती उम्र में ही हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। कच्चे प्याज के सेवन से हड्डियों को खराब होने से बचने में काफी मदद करती हैं। कैंसर में भी होता है लाभदायक। प्याज में स्तन और पेट के कैंसर का कारण बनने वाली कोशिकाओं को पनपने से रोकने की क्षमता होती है। प्याज में क्लेवरसेटिन व एंथोसायनिन की मात्रा होती है। क्लेवरसेटिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मुक्त कणों को बनने में रोकता है जिस कारण कैंसर होने की आशंका कम हो जाती है। इसलिए प्याज का सेवन करने से शरीर में कैंसर के जीवाणु को पनपने का मौका नहीं मिल पाता है। प्याज के सेवन करने से मुंह के कैंसर से भी बचा जा सकता है। यह पाया गया है कि जो लोग प्याज का सेवन अधिक करते हैं उन्हें कैंसर होने की आशंका कई गुना कम हो जाती है। इस प्रकार प्याज खाने के फायदे में कैंसर की रोकथाम भी है। जोड़ों के दर्द का इलाज। प्याज के रस को सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों पर मालिश करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। माना जाता है कि इस नुस्खे को 2 महीने तक लगातार आजमाया जाए तो बहुत फायदा होता है। प्याज के रस और नमक का मिश्रण मसूड़ों की सूजन और दांत दर्द को कम करता है। इसके अलावा प्याज के बीजों को सिरका में पीसकर दांत, खाज और खुजली में लगाने में भी शीघ्र आराम मिलता है। प्याज के गुड़ आँखों के लिए भी होते हैं, बहुत ही फायदेमंद। बढ़ती उम्र में सबसे पहले आँख कमजोर होती है। अगर आपको लंबे समय के लिए अपनी आँख को स्वस्थ रखना है तो आज ही अपनी डाइट में प्याज शामिल कर लें। प्याज में ग्लूटाथियोन नाम का तत्व पाया जाता है जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट भी है जो आँखों में होने वाली बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है जो प्याज में पाया जाता है। प्याज की मदद से आँखों को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है कि हर बार आप खाना बनाते समय आप ही प्याज काटें। प्याज काटने से आँखों में पानी आता है जिससे आँख साफ हो जाती हैं और स्वस्थ भी हो जाती हैं। घर की रसोई में रखे प्याज आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्याज का रस आपकी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए आप बालों पर प्याज का रस लगा लें और फिर इसके बाद शैम्पू से इसे धो लें। सप्ताह में ऐसा 1 से 2 बार करने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है। प्याज के रस की 1 चम्मच और नारियल के तेल की 2 चम्मच मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसके साथ एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे मिला सकते हैं। एसेंशियल ऑयल को मिलाने से प्याज की गंध दूर हो जाती है। इस मिश्रण से सिर पर मसाज कर लें। मसाज करने के बाद इसे 1 से 2 घंटे तक सिर पर लगे रहने दें। बाद में गुनगुने पानी से इसे धो लें। इसका इस्तेमाल सप्ताह में 1 या 2 बार करने से बालों को मजबूती ज्यादा मिलती है और बालों को झड़ना बंद हो जाता है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए प्याज का रस और शहद का मास्क भी बहुत लाभदायक होता है। 2 चम्मच प्याज और 1 चम्मच शहद को मिलाकर बालों पर लगाने से बालों की अंदरूनी जड़ों को ज्यादा मजबूती मिलती है। इसको बालों पर 15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद बालों को शैम्पू कर लें। इसका इस्तेमाल सप्ताह में 2 बार भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि प्याज खाने का बेहतर तरीका क्या है। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप प्याज को कच्चा खाते हैं या फिर पकाकर खाते हैं। अगर कच्चे प्याज की बात करें तो इसमें उच्च मात्रा में ऑर्गेनिक सल्फर पाया जाता है जिसके कई फायदे हैं। प्याज के गूदे की बाहरी परत में अधिक फ्लेवोनोइड होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इसलिए प्याज को काटते समय आप इस परत को कम से कम हटाएं।
यह कई मामलों में आपके लिए भी फायदेमंद होता है। वहीं पके हुए प्याज में फाइबर और कॉपर की मात्रा पाई जाती है, जहां फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है और कॉपर मस्तिष्क के विकास के लिए भी अच्छा है। यहां तक कि प्याज का अचार भी सेहत के लिहाज से फायदेमंद माना गया है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कच्चे प्याज के खाने से क्या नुकसान भी हो सकते हैं। पहला, मुँह से आती है दुर्गंध। दूसरा, गैसों की समस्या। तीसरा, पेट दर्द की समस्या। धन्यवाद।